प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी हूं। आइए आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शंकरगढ़ की ओर ले चलते हैं, जहां पूर्व शिकायत व उच्च न्यायालय के आदेश पर रविवार को शंकरगढ़ व लालापुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे वांसिंग प्लांटों की जांच के लिए शंकरगढ़ में पहुंचे अफसर। आपको बता दें कि समाधान दिवस पर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बिहरिया गोहल्ला के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू, प्रयागराज। सर ये बताइए, जो रोडों पे जैसे आपके एनजीटी एक्ट के तहत ये है कि 50 मीटर हट के वाशिंग प्लांट होना चाहिए, नेशनल हाईवे में सटा हुआ वाशिंग प्लांट बना है और जिससे मतलब बालू सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, वहीं बगल में एक यहाँ का क्षेत्र का उसमें जो कोई इस तरीके की स्टोरेज पाए जाएंगे उसका जिला प्रशासन द्वारा हटवाया जाएगा। ये अभी संज्ञान में उस तरीके की चीजें नहीं आई थी, जैसे संज्ञान में आएगी तो हटाया जाएगा। वैसी नहीं तो सर क्या स्कूल के अगल बगल क्या वाशिंग प्लांट चल सकते हैं? वाशिंग प्लांट देखिए, वाशिंग प्लांट में केवल जो मिट्टी और मिट्टी में मिली हुई सिलका है उसकी वाशिंग होती है। वाशिंग में ऐसा कोई प्रदूषण नहीं होता है, न जल प्रदूषण होता है न वायु प्रदूषण होता है। कोई ग्राइंडिंग यूनिट हो, पल्वराइजिंग यूनिट हो, उससे कुछ डस्ट हो सकती है, लेकिन इसमें कोई जल या वायु प्रदूषण।